रहीम, जैसा आप सबको इलम है कि चेयर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कल हफ्ते के रोज़ 11 बजे पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी है। इस्लामाबाद में एहतजाज की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी है। मैं इस्लामाबाद की तमाम तनजीमों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर सपोर्टर्स और इस्लामाबाद के तमाम बासियों से अपील करता हूँ कि जो मैंडेट चोरी हुआ है और जो इलेक्शन के नताइज में जो है रिकॉर्ड थोड़ धांधली की गई है, इससे पाकिस्तानियों से उनकी हकीकी आज़ादी छीनी गई है, हक रायदही छीना गया है, पाकिस्तान से उसका मैंडेट चोरी किया गया और आवाम से उसका उनका हक हुक्मरानी छीना गया है। ये वोट बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया। आपने देखा पोलिंग बूथ्स में कोई कैंसर के मरीज आए, कोई स्ट्रेचर पर लाए गए, हज़ारों मील का फासला तय करके ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने आए। और ये 2/3 मैंडेट जो पाकिस्तान भर में पीटीआई को मिला है, ये वोटर्स की एक अमानत है। इस अमानत के तहफ़ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल बरोदे आफ्ता 11 बजे इस्लामाबाद में जना पार्क में एहतजाज रिकॉर्ड करेगी। मैं तमाम से अपील करता हूँ कि आप इस एहतजाज में हमारे साथ शिरकत करें, हमारे एहतजाज का हिस्सा बने। पुरअमन एहतजाज होगा, किसी किस्म की कोई तशद्दुद की कार्रवाई की इजाज़त नहीं है। हम अपने अंदर अगर कोई पुरतशद्दुद अनासिर हमें मिले तो हम उनको खुद पकड़ के हवाले हुकाम करेंगे। हुकाम को यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि अगर कोई हमारे दरमियान कोई इस तरह के अनासिर आए तो हम खुद उनको आपके हवाले करेंगे। हम पे तशद्दुद से परहेज कीजिएगा, ये हमारा आइनी और कानूनी हक है। अगर हम पे तशद्दुद किया गया या हम पे लाठीचार्ज किया गया या टियर गैस की गई तो हमारा एहतजाज फिर कल ख़त्म नहीं होगा, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लिहाजा बेहतर यही होगा कि हमें अपना आइनी और कानूनी हक एक्सरसाइज करने दें। बहुत शुक्रिया। अब एक उर्दू पश्तो में बनाओ। अच्छा, वो तो पता ही नहीं। आप सबको मुबारक हो यार। नहीं, हम सब आए, हम सब की जीत है। सब सब पूरी बार उमर इस तरफ सलाम सबके वजीरम साहब लगा ना तो यार बना रही सफेद वाला इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। अच्छा, ये मैं पूछ रहा हूँ सर, ने नुसरत का ये लगाया हुआ है। मैंने कहा नुसरत कौन है? नुसरत मैंने कहा वो तो फतेह नुसरत है। इनको भी दो, इनको भी दो। किस चीज के लिए बता नहीं सर, राजा जैन साहब अब आप इसको साइड पे कर लीजिए। इधर रखो यार, मेरे रखो यार, वाला वाला यार इधर। नहीं, मैं अपना दूंगा जाके। मैं उधर रियासत का।
इस मामले में आपको सलाम करूं, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। आप आगे करिए, बड़ी चीज है। सलाम अलैकुम जनाब सदर, अब आपकी कब ढंग के बज रहे हैं? अच्छा, मुकाबला किसे? बस अली हुसैन भट्टी साहब है मेरे दोस्त। क्या लीजिए जमीन अली हुसैन भट्टी? कौन जी सर? लेकिन इस तरह कोई मुखालिफ वकील कभी बना नहीं है। ऐसे मुकाबला आपका है शरीफ आदमी से? रियासत तो हमारा अलम बरदार है। कोई चाय के इतमाम है?